السلام عليك أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام <nowhereần> على وشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الضائمة ولا قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل كل متربس فتربسوا فستعلمون

सलाम दुरुदोसमजवा मुक़दसा के लिए सिफ़ात खुदा के मज़ाहिर भी और हजत परवरदिगार भी अलहद लजी जल मिनल मुतमसकिन बिलायत अहमदिल्लाजी जन मिनलमतमसक़ी अल बिलक़़र्नीम وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام बाद शिक्र खुदा बंद हज़रत हजत के तमाम आशा हज़रत हजरत की खदमत में एक तालब इलम की हैसियत और फ़ीर कोनवान लिए हुए इस दौलत यकीन के साथ हाज़िर हो रहा कि चलिए अलफाज के नंबर न सही मतलब के नंबर न सही तो कम अज़ कम रोज़ाना की हाजरी का सवाब तो मिल जाएगा और यकीन आपकी खदमत मुकदस में तफसर आयात महदवियत के उनवान पर रोजाना आयात से इतबात हजरत हजरत को पेश कर रहा हो और आज भी आपकी खदमत में शूर तोहा की आयत नंबर एक सौ पैंतीस कि तिलावत का शरफ हासिल किया गया सोरा तोहाने मजीद फुरकान हमीद का बीसवें नंबर का सूरा, आयत का निशान है एक सौ पैतीस और इस सूरे की इस आयत में जरा सा तलफस के लिहाज से एक इम्तहान है कि दो एक के बाद एक हरफ तहजी से कलमा इसमें मालूम है कुल कुल लुन एक काफ कुल कह दीजिए कुल लुन सब के सब हम और तुम मोतरब सुन सब के सब इंतजार करने वाले हम भी मुंतजिर हैं तुम भी मुंतजर हो अल्लाह अकबर एक, एक तुम्हारा इंतजार एक हमारा इंतजार इस हालत में फतरब बसु बस तुम इंतजार किए जाओ और इस अंदाज से इंतजार किए जाओ कि अन करीब तुम जान लो गे कि कौन है सीधे रास्ते पर चलने वालों में से और हिदायत के तलबगारों में से इस पूरी आयत में इंतजार इंतजार और अहाबाब असुरात अमान तदा तो इन उन्वानात पर गौर कीजिएगा कि किस तरीके से रिवायत ने इमाम मूसी काजिमह सलात से अल्फाज को हम तक पहुंचाया इमाम वसलाम ने अपने पदर बुजुर्गवार यानी के इमाम जाफर सुलातम की बारगाह से इस आयत शरीफा के जेल में इर्शाद फरमाया कि सरात सभी वही है जो कायम है और हिदायत याफ्ता से मुराद वो हैं जो पैरवी करने वाले उनके शरात सभी यानी के कायम सलाम हिदायत याफ्ता के आपकी पैरवी करने वाले और जिनको खुदा ने अता फरमाई लफ्ज हिदायत पर चलने वालों का एक उनवान एक और आयत से सहारा लेते हुए जिसमें परवरदिगार ने शायद फरमाया इन्नी लगफारुन उनमन ताबा व आमना व आमेला बेशक के जरूर बे जरूर गफ्फार मैं मुआफ़ कर दूं मैं बख्श देता हूं लेमन ताबा हर उस शख्स को जो तोबा करे वह आमना और ईमान लेकर आए वह आमेला सवाल हन और आमले सवाले को अंजाम दे महतदा इन बरकतों के बाद उसे तोफी हिदायत हासिल हो जाती है यानी कैसे के बिलायत मिदायत याबद यानी कि अब इसके बाद वो हिदायत पर साबित क़दम रख जाता अगर रिवायत के अल्फाज पर गौर कीजिए तो अनुब ने जाफर कौल फलोबरातवीत सरातवी वल क़ायम वा मन फ़ी किताबिल वो इन्नी लगफ़ारन ले मन ताबा व आमना व आमिलात नाम यानि जब कोई इंसान तोबा करे ईमान पर सबित क़दम रहे और आमाल सवाल को अंजाम दे ये तीन काम वो जब करे तो खुदा उसे तोफी विलायत आल मोहम्मद अता करता है अब आइए अगला मरहला सरनामा कलाम की आयत के जेल में कुछ नुकत की तरफ तो तवज्जो कीजिए पहला नुकता के इंतजार अलामत बशरियत तमाम तर राह चलने वाले किसी न किसी मकसूद के इंतजार में हर इंसान कहीं ना कहीं मौजूद किसी वाक़े के इंतजार में खबर के इंतजार में यानी इंतजार फितरत में शामिल कर दिया गया इस एतबार से कि तमाम के तमाम लोग इंतजार की हालत में हैं चाहे नेक इंसान हो चाहे बुरे इंसान हो, इमाम के मानने वाले हों या इमाम के ना मानने वाले हों दुश्मन इंतजार में के इमाम को शहीद कर दे दोस्त इंतजार में के इमाम की नुसरत तो हिमायत कर यहां पहुंचकर शायद आपने गौर किया हो कि करबला नजफ सामर्रा दुश्मन का सबसे बड़ा हमला कहां पर सामर्रा पर सामर्रा मकाम ग़ैबत सरदाब हजतत रोज अस्करियन और अकायद तशै के मुता इमाम जमाना सलात सलासला वहीं से पर्दे गैब में गए तो दुश्मन साम्राज्य ताकतें पूरे इराक में उस मकाम तक पहुंची कि जहाँ से वो इमाम को तलाश करके शहीद कर दें तो एक इंतजार अमूमी है तमाम बशरियत के लिए एक इंतजार खसूसी हज़रत हजत के लिए और इंतजार खसूसी दुख इसमें हैं एक मुखालफन एक मुआफिन एक मोमिन का इंतजार एक इमाम के दुश्मनों का इंतजार वो इंतजार में कि उस शहीद कर दें इमाम को आप इंतजार में कि इमाम की नुसरत तो हिमायत कर वाद इलाही पर आपको यकीन इमाम मऊद यानी कि वादा शुदा है तो पहला मसला मुकम्मल हुआ फिर परवरदिगार आलम ने इस आलम में इंसान को साहिब इख्तियार बनाया कि हक को पहचाने और हक की पैरवी करें और यह इंतहाई अहम बात है कि परवरदगार आलम चाहता तो ऊपर से हिदायत को नाजिल कर देता हर इंसान का हाथ पकड़ के रास्ते पर ले आता मगर उसने इंसान को इख्तियार दिया और हिदायत का रास्ता बता दिया कि इन्ना हद ना सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा हम रास्ता बता देते हैं चाहे तुम काफिर बनो या शाकिर बनो तो जिम्मेदारी अपनी है परवरदिगार की नहीं उसने इख्तियार दिया हक तलाश करने के लिए कि अहले ईमान के लिए फजीलत क़ायम हो जाए और काफिरों पर हजत तमाम हो जाए आयतों का हवाला इस एतबार से कि अहले ईमान का इम्तिहान और है अहले नफाक का इम्तिहान और वन लजीना का फरू अनना खैरसिम काफिर ये न समझें ये गुमान ना करें कि हमने जो उन्हें मोहलत दी है वो उनके फायदे के लिए है इन नुमी लहुमाद इसमान हमने उन्हें इसलिए मोहलत दी है ताकि वो अपने गुनाहों में और खबासतें पैदा कर ले वह अजाब उन फिर उनके लिए तो अजाब एहानत आमेज ये मत समझे कि बादशाहत को सौ साल हो गए तो खुदा ने इनके लिए खैर रखी है ऐसा नहीं साम्राज्य को कितने सौ साल हो गए ऐसा नहीं है किसी फिरओने वक्त को किसी यजीद वक्त को किसी नमरूद वक्त को अगर बहुत टाइम मिल गया तो इसका मतलब कि उसे मोहलत जो मिली है वह मोहलत उसके लिए उसके गुनाहों को बढ़ाने का बाइस बनेगी खुदा की तरफ से ये मोहलत खैर नहीं है

कि वो मजीद मुश्किल का शिकार ना खुदा की कसम ये इंतजार फरज दोनों तरीके से इम्तिहान है एक इम्तिहान के खूब खूब से खूबतर हो जाए और एक इम्तिहान के बद बद से बदतर हो जाए अल्लाह एक इंतजार करते करते खालिश हो जाए और एक इंतज़ार करते करते इमाम सलातम के हवाले से अपने कुफर में डूब जाए अल्लाह अकबर एक राज है गईबत इमाम मुंतजरान जो सीधे रास्ते में चलने वाले हैं उनके लिए ख़ास अल्फाज इस्तेमाल हुए मन अब सरात सवी व मन अहतदा और रिवायत इमाम मुसी काजिम्सात सामम अनअली इब्न जाफ़र अन, अन अखीही मूस इबन जाफ़र इज़ा खामिस फ़ुकदल ख़ामिन वस््ला फ़िदियाने गुम फरमाते हैं कि जब खामिस पाँचवा पर्दे गैब में चला जाए मफकूद हो जाए सातवें की औलाद में से बस तुम अपने दीन के बारे में जरा ख्याल रखना ला युजी अनहा अहद कहीं कोई तुम्हारे दीन को जायल ना कर दे या बुनैगा ले साहिब हाजल अम्रिन गईबतिन बेटो साहिब अम्र के लिए जरूर गईबत है हाज़ल अम्र मन का नकुल या मिन मेहनत इम्तहाना बही खुल कहो खो फरमाते हैं मौला यहां तक कि वो अम्र पलट कर आए तो कहने वाले ये कहेंगे ये तो अल्लाह की तरफ से मेहनत एक मेहनत इम्तहाना बेहा खल कि अल्लाह ने जिसके जरिए से अपनी मखलूकत का इम्तिहान लिया तो बात आपकी खिदमत में इमाम आसमाम के इंतज़ार के हवाले से एक इम्तिहान और इम्तिहान में कामयाब कौन होगा कौन होगा जो हिदायत के रास्ते पर तोफ़ी विलायत को हासिल कर लेगा वो जो तौबा करने वाला वो जो ईमान पर साबित कदम रहने वाला वो जो आमाल सवाल करने वाला उसके लिए वामा नद इमाम जमाना अल्लात के हवाले से आपकी खिदमत में एक और आयत विक्र इबादून इना फी हाजा लौमिन आब्दीन बहुत मशहूर आयत इस आयत को साहिबा न ईमान मुझसे बेहतर ख्याल करते इसका तर्जुमा और हमने लिख दिया किताब जबूर में किताब तौर के बाद भी कि अनजा या रिसहा बेशक जमीन का वारिस बनाएंगे हम अपने नेक बंदों को इन फिहाज बेशक इस खबर के अंदर लबलाख एक इबलाग है एक, एक पहुंचाने का अंदाज है आबिदीन उस कौम के लिए जो इबादत गुजार है इमाम मोहम्मद बाकर आशात फरमाते हैं नबी जाफर कला फरमाया इमाम ने अन्नल कौलो अजबा यहा इन हम असहाबुल महदी फी आखिर जमान हम इस जमीन का वारिस बनाएंगे अपने सवाले बंदों को इससे मुराद कौन है असहाबे महदी अताब का हवाला नुरसक्न अब आइए आगे बढ़िए सुफ़ियान बेन इब्राहिम कहते अन अबी सदक़ इमाम मुहमद सलाम के हवाले से कला सअल तोा जाफ़र मैंने सवाल किया पाँचवें इमाम से अन कौले वजल अल्लाह के फ़रमान के बारे में वलकत कतबना इलाखर आया खाला हम नहनो वो कौन है कि जिन्हें खुदा ज़मीन का वारिस बनाएगा वो हम हैं

आप अपने जमाने के नबी को आख पैगंबर को सलाम कर रहे होते हैं और सलाम करते हैं सीगे मुखातिब के साथ असलम का अय्यो हन नबीयो आप पर ए नबी आप पर ए नबी आप, आप पर सलाम हो अल्लाह की रहमत में बरकत तो जब तक कोई सामने मौजूद ना हो तब तक सीगे मुखातिब में वो कमाल पैदा नहीं होता कभी गौर कीजिएगा उर्दू ज़ुबान में आप जब मुखातिब की कोई बात इस्तेमाल करेंगे कि जनाब आप खा लीजिए या आप पर सलामती हो जब तक कोई आपके उनवान में मौजूद न हो हाजिर न हो लोग आपको ख्याल करेंगे कि आप अपने तौर पर बात कर रहे हैं यानी सीख मुखातिब इस्तेमाल हो नहीं सकता मुखातिब सामने हुए बगैर अब आइए इस आयत में दो उन्वानात थे पहला उन्वान के कौन है इबादी सालिहून एक और उन्वान के कुल तो इन्ना फिहाजा बलाक लेकौमिन आबिदीन और बेशक कि यह खबर पहुंचाई जाएगी इस कौम के लिए जो आबिदीन है तो पूछा मौला से मौला आबिदीन से मुराद फिर कौन है कौला हुम शीअतुना वो हमारे शिया हैं अब फिर गौर कीजिए हमने एक सलाम किया सलाम काबी वह वरक़ात हो फिर का, सलाम इबादल यहां आलना से मुराद क्या है वह अला इबादिल्ला सलिन से मुराद क्या आलैना से मुराद आप और हम नहीं हैं जिस पर पैगंबर ने सलाम भेजा वो मुराद है या आलैना से मुराद इमाम जमाना आलत जबकि इस रिवायत के जेल में इबादल सल से मुराद भी तमाम आइम अहल बैत तो हम कह सकते हैं कि इबादल सल में कभी इसका मजदाक आले मोहम्मद है कभी इसका मजदाक वो तमाम रफ़ाए आल मोहम्मद हैं तो कभी शक्ल मौलाब्बास में कभी शक्ल मुस्लिम इबन अकील में कभी शक्ल हानि बिन और में कभी शक्ल कुमैल इबन ज्याद में खुदा के नेक बंदे कभी शक्ल मिसम तमार में इस अंदाज से इमाम ने आबदीन में लफ्ज़ को मुकम्मल किया कि यहाँ आबेदी से मुराद हैं हमारे शिया अब आइए बात को आगे बढ़ाते हुए कि जहाँ पर सूरह तौबा की आयत नंबर बत्तीस में परवरदिगार ने एक मुस्दा सुनाया खुशखबरी सुनाई वैसे ही यहाँ पर भी अल्लाह ने बशारत दी है और इसीलिए दुआए इफ्तिताह के अंदर पूरे माह मुबारक रमज़ान में रोजाना रात में अहले ईमान इस पर अमल करते चले आए अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लामा सना से आगाज़ उसमें जुमला इन्ना निलई का फ़ी दौलतिन करीमा ए परवरदिगार हम तो सर रखबत रखते हैं ऐसी हुकूमत के बारे में जो हुकूमत करीम हो पाक और पाकिजा हुत हो मासूम की हुकूमत हो अन्ना नरग्बी दौलतिन करीमा तो इज़्ज़ो इस बहल इस्लाम व अहला इसके जरिए से तो इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत का फरमाएगा व तो जिलोब बेहन व अहला और जिसके ज़रिए तो नफाक और अहल नफाक़ को जलील कर देगा तो जैसे वहाँ इस्तेमाल हुआ ऐसे यहाँ इस्तेमाल हुआ मुजदा बशारत खुशखबरी इमाम ज़माना आलाम की हुकूमत के बारे में सूर तौबा में आयत नंबर बत्तीस में या यातिल्लाहु इल्ला या अबल्ला इल्ला तिमनु रहो या अबल्ला व परवरदिगार ने शिद्दत से मना कर दिया तिम्मानू रहो वो चाहते हैं कि नूर खुदा को अपनी फूकों से बुझा दें जबकि अल्लाह अपने नूर को तमाम करना चाहता इससे पहले भी ये आयत आ चुकी हमारे इन अभास के अंदर या वह की ताबीर या नूरीदों की ताबीर लफ्ज लकत के साथ तमाम ताबीर को देखते हुए चलिए और फिर इस पर गौर कीजिए कि इन तमाम आयात में खुदा ने बशारत दी इमाम ज़माना असलात सलाम की हुकूमत के हवाले से और यहाँ पर जो ताबे इस्तेमाल हुई आबास वाले यानी अहले ईमान के लिए इमाम ज़माना अहलात वालमाम की जो शख्सियत थे उसमें एक इशारा और आबा सवाल आज की हद तक बात को यहां रोकते हुए कि अगर आप सवाल तो वो आबा सवाल अगर आप मोमिन तो वो इमामुल इमामीन अगर आप मुतकी तो इमामुल मुत्तकी ऐसा नहीं है बल्कि वो मुत्तकीन के इमाम आप मुतकी बन जाइए वो मोमिन के इमाम आप मोमिन बन जाइए वो आबा सवाले सवाले के बाप आप सवाले बन जाइए तो कभी इस्तेमाल हुआ इस तरीके से कि आबा सवाल के कई इमाम को याद किया गया और तमाम के तमाम मुंतजरा सवाल इमाम अलाम के मुंतजरीन सवाल कहलाए और आप अबा सवाल और कभी कौम आबदीन के उन वान से आपको याद किया गया आइए बात को तमाम करते हुए इमाम से मुलाकात के हवाले से बस एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में और कल भी आपसे नौजवानों के एतबार से बात की थी और आज भी नौजवानों के लिहाज से आपकी खिदमत के बात मुकम्मल करना चाहेंगे नौजवानों अपने इमाम से इश्क करो क्यों कल जो आपको वाक्य सुनाया था हाजी अमिन करबालाई का जवानी का वाकया था कोई बुढ़ापे में आके इमाम से मुलाकात की तमन्ना करे बिल्कुल ऐसे कि जैसे जब कुछ ना कर सके तो नमाजी बन गए जब कुछ ना कर सके तो अभी इमाम के पास आ गए यानी जब तक आप कुछ कर सकते थे तो मासियत कार रहे और जब कुछ करने काबिल ना रहे तो अब इबादत गुजार बन गए इमाम जमाना सच्ची मोहब्बत और शफकत और इमाम वली ये नेमत भी और हमारी जवानियां उन्हीं की वजह से ये जवानी इमाम के कदमों में क्यों ना हो हम इमाम के नूरानी जमाल के आशिक क्यों ना बने मैं जवानों से बात कर रहा हूं इस तरह शैतान जवानों को अपने जाल में वरगला कर ले आता है हम चाहते हैं कि जवाना ने अहले बैत को इमाम की मोहब्बत में ले आए इमाम के इश्क में गिरफ्तार कर इमाम के नूरानी जमाल के आशिक क्यों न बने हिदायत भी मिले लज्जत वसाल भी नसीब हो य बयान से बाहर है अल्लाह अकबर बस आज की मजिश का खास पैगाम कि जवानी को अपने इमाम की अमानत जानो ये जवानी आपके लिए नहीं इमाम की अमानत है और खुदा के लिए से गुनाहों से आलूदा मत कीजिए मौला को अपने जवानों से बहुत प्यार है वो अपने जवानों को बुलंदी की तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं। वो इन जव... वो इन नौजवानों को कारी कुरान शब जिंदादार दिन के रोजेदार इस्लाम का प्रचार करने वाले मजलूमों के हामी मददगार और जालिमों के खिलाफ नब्द आजमत देखना चाहते जवानों अपने आप को गुनाहों से बचा के चलते और अगर बात आपके दिल तक पहुंच गई तो अकबर को याद कर बस सिर्फ एक मरत मसाहिब का क्या खास हिगमत थी मौला की कि मौला ने सुबह आशूर अपने मोजि को रोक दिया हजाज बने मसरूक जाफी और आपने अपने जवान अली अकबर को अजान के लिए मुन फरमा दिया कि आज सुबह की अजान आप देंगे अकबर की अजान पैगाम पहुंचाने के लिए इमाम के लश्कर में बूढ़े भी थे उम्र भी थे आप जिससे चाहते अजान दिलवा देते मोजिन भी था एक जवान का इंतखाब करके इमाम ने पैगाम दिया कि जवानों की अहमियत क्या है यानी कोई आशूर का दिन शुरू नहीं हो सकता जब तक के किसी जवान की सीरत अकबर के में अजान मौजूद हो और आखिरी जुमला बाज़ मौरखी मकातिल ने करबला में इमाम के अकरबा में पहले शहीद का नाम लिखा अली अकबर यानी मोजिन भी अली अकबर पहला शहीद भी अली अकबर जबकि इतना गरीब है जहरा का हल कि अपने अकबर को उठा के ले चले तो इशात फरमाया खेमों को देख कर आओ बच्चो आओ अब बूढ़े बाप से जवान बेटे मैयत नहीं संभलती अल्लाह अकबर है मौला के चाहने वालों अपनी जवानी को गुनाहों से अगर बचाने में कामयाब हो गए अकबर की जवानी की कसम तो मैं जमाने कई माँ वैसे ही सीने से लगाएगा जैसे हुसैन अकबर की लाश को सीर अलबूल बहरअलावस्ता मोहम्मद महमद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा बहरअला वास्ता मोहम्मद मोहम्मद का परवरदिगार कोई गम न दे से वम आल रसूल के बाराल वास्त मोहम्मद उलि मोहम्मद के हमारे जवानों की नौजवानों की इखलाक और अकायद और आमाल की हिफाजत फरमा बार वास्तव महम्मद मोहम्मद का जो तमाम बातलकूवतें हमारे जवानों को नौजवानों को गुमराह करना चाहती हूँ गुना का मना फरमा हमारे इमाम सलाम को हम से राजनूत फरमा इमाम के जहूर में ताजील फरमा هم سب کو امام کے خدمت گزاروں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد وعليه المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين